हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुड़ गट्टा या गुड़ पापड़ी। क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी, बचपन की याद, बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है ये। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने दिए हैं वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप गुड़ लिया है और एक टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर या आप आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक थाली ली है जिसको मैंने घी से ग्रीस करके साइड में रख दिया है। गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, मैंने नॉनस्टिक इस्तेमाल किया है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कप गुड़ ऐड किया है। गुड़ आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चिक्की का ही गुड़ होना चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे गुड़ पापड़ी बना सकते हैं। तो गैस का फ्लेम सबसे पहले तो बिल्कुल लो रखना है आपने, और उसमें मैंने एक कप गुड़ ऐड किया है। गुड़ जो है वो बिल्कुल बारीक मैंने तोड़ लिया था, अगर उसके बड़े बड़े गोले रह गए हैं तो आप उसको छोटा छोटा तोड़ ले, या फिर आप एक दो टेबलस्पून पानी ऐड कर लें ताकि गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाए। बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट बाद गुड़ जो है ये आपस में चिपकने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। अब यहाँ पर इस स्टेज पर अगर कुछ गोलियाँ रह जाती है गुड़ की, तो आप उसको इस तरह से तोड़ लें। ध्यान रहे उसमें कोई गोली बचनी नहीं चाहिए गुड़ की। जितना लो फ्लेम पर आप बनाएंगे उतना ही गुड़ पापड़ी जो है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। हाई फ्लेम पर गुड़ बहुत जल्दी जल सकता है और गुड़ की क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखा था। अब यहाँ पर जैसे ही गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाए और इस तरह से बबल आने लगे उसमें, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून देसी घी ऐड किया है। देसी घी से इसमें एक शाइन आ जाती है, एक ग्लेज आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसको थोड़ी देर हमने कुक कर लेना है, जब तक इसका कलर हल्का सा डार्क नहीं हो जाता है, कुछ 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। और अब एक कटोरे में मैंने पानी लिया है और थोड़ा सा ऐड करके चेक कर लिया है, थोड़ा सा ठंडा कर लें उसको ताकि वो जम जाए। और फिर आप इसको चेक कर लें, ये देखिए इस तरह से टूटना चाहिए, ये जैसे ये टूट रहा है, टूटने की आवाज़ आनी चाहिए। अगर ये टूट नहीं रहा है और खिंच रहा है और नरम है गुड़, तो थोड़ी देर और आपने कुक कर लेना है। इस स्टेज पर आप इसको थोड़ा देर 10 सेकेंड और भी कुक कर सकते हैं ताकि इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाए, उतनी ही ये क्रिस्पी बन के तैयार होगी, बट जलना नहीं चाहिए गुड़। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप खाने का सोडा आधा चम्मच ऐड कर लें। गैस का फ्लेम ऑफ कर लें और इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत तेज़ी से चलाते हुए मिक्स ना करें, बिकॉज इसमें जो मिक्सचर फूलेगा सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड करने की वजह से वो बैठ ना जाए। बस आराम से मिक्स कर ले कि बेकिंग पाउडर बिल्कुल उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही वाइट हो गया है मिक्सचर, फूलकर बिल्कुल डबल हो गया है, ये देखिए। धीरे धीरे मैंने इसको चलाया है। अब यहाँ पर जो थाली मैंने ग्रीस कर ली थी उसके अंदर मैं इसको ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर थाली थोड़ी सी बड़ी ली थी, इसीलिए ये बहुत ही पतला सेट हुआ था। आप थोड़ी सी छोटी थाली ले लें तो उसके हिसाब से आपकी जो गुड़ पापड़ी है उसको थिकनेस थोड़ी अच्छी मिलेगी। अब जो स्पैटुला पे स्टिक हो गया था उसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से निकाल लिया है नाइफ़ से, और इसको अभी आपने थोड़ी देर ठंडा कर लेना है। तो इसको मैंने किचन काउंटर पे ले लिया है और थोड़ा सा इसको मैं टैप कर लूँगी ताकि ऊपर से ये प्लेन हो जाए। इसके ऊपर अभी आपने कोई भी स्पैटुला नहीं लगाना है, वरना ये ख़राब हो जाएगा। अब थोड़ी देर ठंडा हो जाए, जब 3 से 4 मिनट, उसके बाद आपने इस पर कट्स लगा लेने हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सौंफ, इलायची का पाउडर वगैरह ऐड करके तिल ऐड कर सकते हैं और इसको उतना ही देखने में प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। और गरम गरम में आपने कट नहीं लगाना है, वरना ये मिक्सचर जो फूला था बेकिंग पाउडर सोडा ऐड करने की वजह से वो फिर से बैठ सकता है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हार्ड हो जाए, उसके बाद आप उसके ऊपर कट्स लगा लें। बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तभी आप इस पर कट्स नहीं लगा पाएंगे। तो बस ये इस तरह से रेडी हो गया था, तो मैंने इसको फिर कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया था। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगा और आप इसको आराम से इस पर से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और प्लेट को मैंने इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर लिया था, ये थोड़ा सा नीचे गिर गया था टूटकर, और बहुत ही कड़क और क्रिस्प ये बन के तैयार होता है, ये देखिए। आप चाहें तो छोटे मोटे जैसे पीसेस में आपको पसंद है, आप इससे भी छोटे पीसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मीठा ही होता है खाने में। और ये देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें जाली पड़ी है। तो इसको आप बनाकर ठंडा करके स्टोर कर ले, 15 दिन तक आप इसको
एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप है, उसका लिंक मैंने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।